इसको मैं एक बार दोबारा थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे मान लो ये चलो ये है, मान लो ये है, तो इसमें अगर नेमिंग करनी है, सपोज ध्यान देना सी ये इसकी नेमिंग करनी है, तो मैं बस इस ग्रुप का नाम बता रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने जो बताया था वही सेम चीज है बिल्कुल। ग्रुप का नाम जो है इसका, जैसे अगर ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये चीज है लिंकेज यहां से हो रही है। एक तो नाम ये होता है जब लिंकेज क्या होती है, यहां से होती है, ये तो मैंने बताया हुआ तुम्हें। इसका नाम क्या होता है, एल्कोक्सी कार्बोनिल, नाम बता रखा ना इसका, एल्कोक्सी कार्बोनिल। इसका नाम क्या है, एल्कोक्सी कार्बोनिल, सही ना, एल्कोक्सी कार्बोनिल। अच्छा एल्कोक्सी कार्बोनिल या कार्ब एल्कोक्सी या फिर कार्ब कार्ब एल्कोक्सी, ये भी बोल सकते हैं, ये नाम मैं बता चुका हूँ। इसका नाम अगर आता ना तो इसको बोलते हैं एल्केनॉइल, ये एल्केनॉइल ग्रुप है, एल्केनॉइल और ये ऑक्सी, एल्केनॉइल ऑक्सी, क्या नाम है इसका, एल्केनॉइल ऑक्सी, क्लियर, एल्केनॉइल ऑक्सी, समझ आ गया मैंने क्या बोला है? क्या नाम है इसका, ओ के साथ लिंकेज अगर है, किसके साथ लिंकेज, अगर ओ के साथ, अगर ओ के साथ लिंकेज होती है तो इसको पहले बोलते हैं एल्केनॉइल, क्या बोलते हैं इसको, एल्केनॉइल, और इस ओ को क्या बोलते हैं, ऑक्सी, एल्केनॉइल ऑक्सी, एल्केनॉइल ऑक्सी, ये मैं बता दूंगा तुम्हें पहले ही, एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो अब इसकी नेमिंग 1 2 2 पे क्या आएगा, भी है 11 सारे बच्चे ट्राई करेंगे, क्या नाम होगा उसका, प्रोपेन, क्या नाम आएगा, नाम बोलेंगे पहले अपना, सर इथेनॉइल इथेनॉइल ऑक्सी, नाम बोलेंगे पहले, और इथेनॉइल नहीं आएगा, ये प्रोपेनॉइल आएगा। तीन कार्बन है ना, ये पार्ट देखो ना, इस पार्ट को ध्यान देना, इधर इस वाले पार्ट को चेक करो, सिर्फ ये प्रोपेनॉइल नहीं है, ये प्रोपेनॉइल है कि नहीं, प्रोपेनॉइल यस सर, ऑक्सी। तो हाँ, तो 2 पे क्या आएगा, प्रोपेनॉइल ऑक्सी, 2 पे प्रोपेनॉइल ऑक्सी इथेनोइक एसिड, टू पे प्रोपेनॉइल ऑक्सी इथेनोइक एसिड, ये नाम आ जाएगा इसका। तो ये ध्यान रखना इसका, मैंने ये इंपॉर्टेंट नेम बताया है, बहुत कम बुक्स में लिखा हुआ है ये, तो इसलिए नोट कर लेना इसको। एसिड्स हमने खत्म कर लिए पूरे, ये एसिड्स खत्म हो चुके हैं सर, जो मीटिंग के एंड में से पहले आपने आखिरी कराया था ना, समझ नहीं आया, वो आप समझ आ जाएगा, आप कर लेना, वो यही चीज है मैंने जो बता दिया अभी। नेक्स्ट नेक्स्ट नोट करना, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, अभी तक हमने एक ही फंक्शनल ग्रुप खत्म किया है एसिड्स का, जो मैंने कल स्टार्ट किया था, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम एसिड क्लोराइड्स, जो कि डेरिवेटिव ऑफ एसिड है, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड हो, एसिड ब्रोमाइड हो, एसिड आयोडाइड हो, सही ना, एसिड क्लोराइड ले रहा हूं मैं, ये ज्यादा यूज होता है इसीलिए, ये ज्यादा यूज होता है इसलिए, जैसे सी ओ सी एल, ओ एच की जगह सी एल आ जाएगा, ओ एच की जगह सी एल आ जाएगा, सही ना, ओ एच की जगह आ जाएगा, ओ एच की जगह आ जाएगा हमारा सी एल। तो इसका नाम क्या है, ध्यान देंगे, इसका नाम क्या होगा, सफिक्स, इसका टेबल में एंटर करते रहना, सफिक्स है इसका ऑयल क्लोराइड, सफिक्स ऑयल क्लोराइड और प्रीफिक्स, प्रीफिक्स है इसका हेलो कार्बोनिल, हेलो यहाँ पे क्या है, क्लोरो, क्लोरो कार्बोनिल, क्लियर, प्रीफिक्स क्या होगा, क्लोरो कार्बोनिल, सफिक्स ऑयल क्लोराइड, एंड इट इज टर्मिनेटिंग, एंड इट इज टर्मिनेटिंग, क्लियर, इट इज टर्मिनेटिंग, ये क्या है, टर्मिनेटिंग। हम स्टार्ट कर रहे हैं नया फंक्शनल ग्रुप जिसे हम कहेंगे एसिड क्लोराइड, क्या है, एसिड क्लोराइड, और सी ओ सी एल, सी ओ सी एल इसका फंक्शनल ग्रुप है, सी ओ सी एल इसका फंक्शनल ग्रुप है वैलेंसी फ्री,
सफिक्स है इसका ऑयल क्लोराइड, अगर यहाँ पे बी आर होता तो मैं बोलता ऑयल ब्रोमाइड, प्रीफिक्स है इसका क्लोरोकार्बोनिल, क्लियर, प्रीफिक्स इज क्लोरोकार्बोनिल एंड इट इज टर्मिनेटिल क्योंकि इसमें सी आ रहा है, टर्मिनेटिंग है ये क्योंकि इसमें सी आ रहा है और उसकी एक वैलेंसी फ्री है, तो ये टर्मिनेटिंग है, इसको ग्रुप में एंटर कर देना। कितने ग्रुप हो चुके हैं टोटल, कितने फंक्शनल ग्रुप हो चुके हैं अभी, जो एंटर कर रहा है उसको पता होगा, चलो कुछ नहीं होता, 60 है। अब इसमें पहला HCOCl, HCOCl क्या नाम होगा इसका, बिल्कुल मिथेनॉल क्लोराइड, इसका नाम तो मिथेनॉल क्लोराइड है, तू अपना नाम बताएगा पहले, मुकुल मिथेनॉल क्लोराइड, हाँ हाँ मिथेनॉल क्लोराइड, मिथेनॉल मिथेन आएगा, ऑयल क्लोराइड, मिथेनॉल क्लोराइड कॉमन नेम फॉर्माइल क्लोराइड, फॉर्माइल क्लोराइड, ये बहुत ज्यादा यूज होगा, जैसे अभी पीछे तुम्हें पढ़ा फॉर्मिक एसिड फॉर्मल्डिहाइड, ये क्या है फॉर्माइल क्लोराइड, नेक्स्ट CH3COCl, CH3COCl मुकुल, और कोई प्रथम इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है बहुत, इसका क्या आएगा एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल ज्यादा यूज होगा, अभी मैं नेम रिएक्शन शायद आज डिस्कस कर दूंगा, नेम रिएक्शंस आज मैं एक इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट करने वाला हूं, जैसे तुमने इनऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ी थी ना ऐसे ही मैंने तुम्हें बोला ना 80-90 रिएक्शंस है लगभग इसमें जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो डिस्कस करना स्टार्ट कर दूंगा आज से, मैं अगले लेक्चर में शायद वही काम स्टार्ट होगा नेम रिएक्शंस वाला, सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो, ये तो जस्ट एक है कि तुम्हें आना चाहिए नेमिंग, ये कर रहे हैं हम, नहीं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट GOC आइसोमरिज्म और मैकेनिज्म, ये तीन टॉपिक है ऑर्गेनिक के अंदर जो बहुत डिटेल में आने चाहिए। तो इथेनॉइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, इसका एसिटाइल क्लोराइड इसका क्या है कॉमन नेम, नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा इसकी नेमिंग सर मुकुल, हो गया मुकुल, सर सिया बोलो सिया, BU3-in-1 ऑयल क्लोराइड, नहीं एक एक मिस कर दिया तुमने, चेन देखो ना एक बार, सर सुधांशु, टू मिथाइल, हाँ टू मिथाइल और आएगा ना, देखो ये चेन है टू मिथाइल तो आएगा ही, फिर ब्यूट टू इन वन ऑयल क्लोराइड, वन ऑयल सर थ्री इन नहीं आना चाहिए, थ्री इन आना चाहिए, सॉरी थ्री इन टू मिथाइल ब्यूट थ्री इन, टू मिथाइल ब्यूट थ्री इन वन ऑयल, देख लेना लास्ट में क्लोराइड है, लास्ट में क्लोराइड, तो नेक्स्ट नोट करेंगे, इसकी नेमिंग ट्राई करनी है, चलो ये ट्राई करेंगे, बोलना नहीं अभी,
सर मुकुल हो गए सारे। सबने कर लिया सर मुकुल? हाँ मुकुल। चल मुकुल फर्स्ट का ट्राई कर। सर सुधांशु। टू इथ वन आयन आयल पेंट, थ्री आयन वन ऑयल क्लोराइड। दोबारा बोल। टू इथ आयन पेंट, थ्री आयन वन ऑयल क्लोराइड। सही। वन टू थ्री फोर फाइव। टू इथाइनाइल पेंट, थ्री आयन पेंट, थ्री आयन वन ऑयल क्लोराइड। आयन का ई नहीं आएगा। पेंट, थ्री आयन वन ऑयल क्लोराइड। किसी और का सही हुआ है इलेवंथ वालों में? यस सर। विधि चलो। हाँ सही हो रहा था, बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें चेंज कर दे हल्का सा, इसी में देखते चेंज कर रहा हूँ हल्का सा। इसकी नेमिंग बताना, ये अगर इसकी नेमिंग कौन बताएगा? सर मुकुल। बोल मुकुल। सर टू इथ वन इन आइल पेंट, थ्री आइन वन ऑयल क्लोराइड। बस आइल की जगह इन आ जाएगा। टू अच्छा इथिन आ जाएगा। टू इथिनाइल बोल रहा है ना सिर्फ? यस सर। अच्छा इसमें ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाएंगे, डबल बॉन्ड की तरफ? सर डबल की तरफ जाएंगे क्योंकि दोनों तीन पे ही हैं। डबल की तरफ जाएंगे? यस सर, दोनों के दोनों तीन पर ही हैं। तो फिर तूने सही बोला गलत बोला? ओ अरे अच्छा अच्छा मैं करता हूँ फिर से। और कोई बताएगा मुकुल के अलावा? सर टू प्रोपिनाइल। सर सुधांशु बोल। नाम बोल। हाँ सुधांशु बोल। सर टू प्रोप वन आयन ब्यूट, थ्री इन वन ऑयल क्लोराइड। पहले तो वन आयनाइल बोलेगा सुधांशु। वन आयनाइल समझा कि नहीं? टू पे प्रोप वन आयनाइल, प्रोपाइन नहीं बोलेंगे, समझ गया कि नहीं? अच्छा किसी और को बोलना है ना इसका? सर तुषार। सर टू प्रोपेनाइल। सर मुकुल। टू इथेनाइल पेंट, थ्री आयन वन ऑयल क्लोराइड। हाँ मुकुल तू बोल। सर टू प्रो वन आयन आयल ब्यूट, थ्री इन वन ऑयल क्लोराइड। अब तू ये तुषार का सही है बिल्कुल। मुकुल तो जो तूने पहले बोला था ना वो सही था बिल्कुल। अच्छा सही था। हाँ और क्या, लॉन्गेस्ट चेन कार्बन नहीं आएगा? हाँ ज्यादा कार्बन है जब वहां जाएंगे, टू इथिनाइल ही आएगा। बिल्कुल सही था, इसलिए दिया था क्वेश्चन। वो तो तब मिलती है ना डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस, जब दोनों की सब कुछ सेम प्रायोरिटीज हो। अभी तो चेंज आ रहा है इधर, तो चेंज आ रहा है इधर ही जाएंगे। जब बिल्कुल सेम प्रायोरिटी हो तब जब देखते हैं वैसे, नहीं तो नहीं देखेंगे। तो इसलिए आएगा टू पे इथिनाइल ही आएगा। इधर दो ही कार्बन है, उधर तीन कार्बन है, पोजिशन सेम थी। टू इथिनाइल पेंट, थ्री आयन वन ऑयल क्लोराइड। नेक्स्ट सर सम्यक। सर विधि। सर मुकुल। हाँ विधि बोलो। प्रोपेन वन टू थ्री ट्राई ऑयल एसिड। एसिड ट्राई ऑयल ऑयल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड हाँ, अभी भी थोड़ी सी गलती कर गए सर। सम्यक। सम्यक। सर प्रोपेन वन टू थ्री ट्राई ऑयल क्लोराइड। मुकुल। सर प्रोपेन वन टू थ्री ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड। ये सही है। इसमें चेन तीन की रहेंगे ना, तुम कार्बन भूल गए दोनों। विधि भूल गए, समय तू भी भूल गया। अब कार्बन यूज नहीं होगा, सी काउंट कम हो रहा है। नहीं समझ आई बात? हाँ सर। सर सब्स्टिट्यूएंट है वो। सब्स्टिट्यूएंट नहीं है ये, मेन फंक्शन रूपी। हाँ मेन फंक्शन रूपी है, लेकिन सी इसका काउंट नहीं हो रहा। बस प्रोपेन वन टू थ्री ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड। प्रोपेन वन टू थ्री ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड। समझ आ गया कि नहीं? ये प्रोपेन वन टू थ्री ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड, ये नाम आएगा इसका। अच्छा नेक्स्ट की नेमिंग। सर मुकुल। सर ऋतिका। और कोई?
रितिका बोलो. टू वन क्लोरोकार्बोनिल ब्यूटेन वन फोर डाई ऑयल क्लोराइड. नहीं और कोई? मुकुल मुकुल बोल. थ्री टू क्लोरोकार्बोनिल पेंट वन फाइव डाई ऑयल क्लोराइड. और कोई गलत अभी है? सर अर्पित. अर्पित रुक गया एक मिनट, इलेवन सालों को ट्राई करना अभी. और कोई? सर प्रियांशी. हाँ प्रियांशी बोलो. थ्री वन क्लोरो कार्बोनिल मिथाइल पेंटेन वन फाइव डायऑयल एसिड डायऑयल क्लोराइड. बहुत अच्छे प्रियांशी, बिल्कुल सही है. तुम जो लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इसकी होमवर्क भेज रहे हैं. मैं भी बाद में पूछूंगा होमवर्क किसने नहीं भेजा. एक गौरव लड़का है वो होमवर्क नहीं भेज रहा बिल्कुल भी. उसका नाम हर बार आ रहा है कि गौरव होमवर्क नहीं भेज रहा बिल्कुल. थ्री पे वन क्लोरो कार्बोनिल मिथाइल, थ्री पे वन क्लोरो कार्बोनिल. रितिका गलती समझ आ गई? यस सर. कार्बोनिल मिथाइल भी तो आएगा, मिथाइल तुम मिस ही कर गए थे इसमें, और ब्यूट भी बोल रहे थे तुम, पांच जबकि कार्बन है. थ्री पे वन क्लोरो कार्बोनिल मिथाइल पेंटेन वन फाइव डाइऑल क्लोराइड. मुकुल तेरे को अपनी गलती समझ आ गई? यस सर. आगे वन को टू बोलते तो पेंट बोल दिया. हाँ. पेंटेन वन फाइव डाई, ये गलती मत कर, ये गलती बहुत कॉमन होती है पेपर में. वन फाइव डाई ऑयल क्लोराइड. ओके सर. चलो ये अब जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि अब सीख चुके हैं नेमिंग, ये सिखा दिया है. अब तो सिर्फ सफेद प्रफिक याद करना है. एक जल्दी से ट्राई कर लेंगे इसकी नेमिंग, ध्यान देंगे देखते हैं सही होता है. सी ओ सी एल सी एच टू सी ओ सी एल बोल मुकुल. सर एक सेकंड सर, ये होगी इथेन वन 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 टू टेट्रा कार्बोनिल क्लोराइड. बहुत अच्छा मुकुल, बहुत अच्छे. तू बहुत फास्ट है, पर गलती फास्ट के चक्कर में गलती कर जाता है कई बार, लेकिन अभी तूने बहुत अच्छा आंसर दिया है, ध्यान देंगे. देन ये ग्रुप चार फंक्शन रुपए सर्कल कर लिया करो कभी डाउट हो तो. चार फंक्शन रुपए हैं तो चारों को प्रेफरेंस मिल सकती है क्या? अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन लूंगा तो दो को मिलेगी, वन मैं इसको दूंगा और टू थ्री फोर इसको दूंगा, तो सिर्फ दो को ही प्रेफरेंस मिलेगी. सिर्फ दो को ही प्रेफरेंस मिलेगी, वन को और फोर को, बाकी को नहीं मिली. इसलिए मैं ट्राई करूंगा सबको, अगर प्रेफरेंस मिल सकती है तो मैं सबको ट्राई करूंगा, नहीं मिलेगी तो लॉन्गेस्ट चेन ही दूंगा. एक को भी ना मिलती तो लॉन्गेस्ट चेन, ये लेंगे वन वन. सी एच टू वन इसको लिया, वन वन और ये टू वन टू. तो वन पे तीन बार ये वाला ग्रुप है, तीन बार ये वाला ग्रुप है, और टू पे एक बार है, तो आएगा इथेन. इथेन वन 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 टू टेट्रा कार्बोनिल इथेन वन वन टेट्रा कार्बोनिल क्लोराइड. टेट्रा कार्बोनिल क्लोराइड सही ना, टेट्रा कार्बोनिल क्लोराइड. तो ये इसकी नेमिंग आ जाएगी. नेक्स्ट नोट करेंगे आगे. नेक्स्ट ट्राई करना है. नेक्स्ट अभी इंपॉर्टेंट नेम है, जैसे अमीन्स स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ये अमीन्स काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे इधर. इसको समझेंगे पहले अमीन्स. जैसे अमोनिया होता है, ये तीन तरीके के फंक्शनल ग्रुप है, इसके अंदर अमीन में तीन फंक्शनल ग्रुप है एक साथ, तो इसको समझेंगे क्या होते हैं तीनों. अमोनिया है इसका, अगर मैं एक एच हटाता हूं इसमें से, एक एच को हटा दिया मैंने इसमें, तो आ जाएगा NH2 और एक वैलेंसी फ्री. ये होता है प्राइमरी अमीन, ये प्राइमरी अमीन है. ये क्या है? प्राइमरी अमीन. दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी अमीन. इसका सफिक्स क्या है और इसका प्रीफिक्स क्या है, ये भी नोट कर लेंगे.
सफिक्स इसका अमीन लिखना है, प्रीफिक्स इसका अमाइनो, सफिक्स अमीन प्रीफिक्स अमाइनो, सही है। अब नेक्स्ट आया, ध्यान देंगे, अगर इसमें से एक एच और हटा दिया मैंने तो आ जाएगा एनएच और दो वैलेंसी फ्री, अब एक एच और हटा दिया तो एनएच और दो वैलेंसी फ्री, दिस इज सेकेंडरी अमीन, ये सेकेंडरी अमीन है, इसका सफिक्स, अब मैं इसका लिख रहा हूं, सफिक्स इसका अमीन ही आएगा, प्रीफिक्स आएगा इसका अल्काइल अमाइनो, ये है हमारा सेकेंडरी अमीन। अब इसके बाद नेक्स्ट, इसमें से एक और एच हटा दिया तो एन आ गया और तीन वैलेंसी फ्री, तो ये है टर्शरी अमीन, ये टर्शरी अमीन है, तो इसका सफिक्स तो अमीन ही आएगा, सफिक्स सेम है, प्रीफिक्स आ जाएगा, अगर दोनों सेम एल्काइल ग्रुप है तो डाइल्काइल अमाइनो, नहीं तो एल्काइल एल्काइल डैश अमाइनो, जैसे इथाइल मिथाइल अमाइनो, अभी एल्काइल सॉरी डाइल्काइल आएगा ना, डाई एल्काइल अमाइनो, डाई एल्काइल अमाइनो, क्लियर, क्या आएगा डाई एल्काइल अमाइनो, तो अमीन सब में आएगा, इसमें आएगा अमाइनो, इसमें आएगा एल्काइल अमाइनो सेकेंडरी अमीन में, इसमें डाई एल्काइल अमाइनो, समझ आ गया कि नहीं, ये प्राइमरी अमीन है, ये ध्यान देना इस बार, ये क्या है प्राइमरी अमीन, वैलेंसी फ्री जरूर दिखाना, फिर एक एच हट गया तो ये सेकेंडरी अमीन दो वैलेंसी फ्री, फिर एक एच और हट गया तो टर्शरी अमीन, ये थ्री डिग्री अमीन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री, समझ आ गया कि नहीं ये। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अमीन्स के अंदर, पहला प्राइमरी अमीन, किसी को पूछना तो नहीं कुछ, चलो प्राइमरी अमीन्स, प्राइमरी अमीन सफिक्स है इसका अमीन, प्रीफिक्स है अमाइनो एंड इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ग्रुप में ऐड कर देना फंक्शनल ग्रुप में, तो इसका पहला नेम CH3NH2, CH3NH2 क्या नाम आएगा इसका, सर मुकुल, बोल मुकुल, मिथाइल अमीन कॉमन नेम है, ध्यान रखना मिथेन अमीन आएगा, मिथाइल अमीन गलत हो जाएगा, ध्यान रखना मुकुल, ओके सर, मिथेन अमीन और कॉमन नेम बोलेंगे तो मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन नेक्स्ट, सही है टर्मिनेटिंग है, नॉन एन आ रहा है ना इसमें फंक्शन ग्रुप क्या है इसका, NH2 वैलेंसी फ्री, ओके सर ओके सर ओके सर, हाँ नेक्स्ट ये ट्राई करेंगे अब, सेमुकुल एक बार ट्राई कर लेंगे, सर मुकुल हो गए सारे, चलो बोलेंगे नाम फिर, सर पहले का तो है प्रोपेन टू अमीन, वन टू थ्री, तीन कार्बन है, धाटा जैसे अल्कोहल में तुम ऑल लगा रहे थे इसमें अमीन लगाना और कोई चेंज नहीं है, अगर यहाँ ओएच होता है बोलते हैं प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू अमीन, प्रोपेन टू अमीन, अच्छा इसका कॉमन नेम क्या होगा, आइसोप्रोपाइलामीन या सेकेंडरी प्रोपाइलामीन, दोनों सही हैं,
सर बताऊं सेकंड नेक्स्ट नेक्स्ट रुक जाओ बिल्कुल सर मैं बताऊं प्रथम वंशी बताऊं वंशी का बोलो हां इथेन 1-2 डायअमीन हां इथेन 1-2 डायअमीन इथेन 1-2 डायअमीन कॉमन नेम है इसका इथाइलीन डायअमीन कॉमन नेम इसका इथाइलीन डायअमीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एज ए लिगेंड यूज होता है ईएन नाम से ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसने पढ़ लिया है 12th क्लास के बच्चों ने उनको समझ आ गया होगा इथाइलीन डायअमीन ईएन इसका नाम है इथेन 1-2 डायअमीन इथेन का ई आएगा इथाइलीन डायअमीन फोर्थ वाले की नेमिंग समकुल सुधांशु पर्यंत 2-1 अमीनो मिथाइल प्रोपेन 1-3 डाई अमीन बिल्कुल सही है मुकुल सी एच अच्छा सही है इसका CH2NH2 1-2-3 2 पे आएगा 1 अमीनो मिथाइल 2 पे आएगा 1 अमीनो मिथाइल प्रोपेन 1-3 डायअमीन एक ये वाला क्या बन जाएगा प्रीफिक्स बाकी दोनों क्या है फंक्शनल ग्रुप दो फंक्शनल ग्रुप है एक प्रीफिक्स है 2 पे 1 अमीनो मिथाइल प्रोपेन 1-3 डायअमीन 2 पे 1 अमीनो मिथाइल प्रोपेन 1-3 डायअमीन नेक्स्ट ये प्राइमरी अमीन्स खत्म हो गए ज्यादा ड्रिल नहीं लेनी होती इनकी प्राइमरी अमीन्स खत्म हो चुके हैं नेक्स्ट नोट करेंगे सेकेंडरी अमीन्स सेकेंडरी अमीन फंक्शनल ग्रुप इसका एनएच है और दो वैलेंसी फ्री एनएच और दो वैलेंसी फ्री सफिक्स है इसका अमीन अभी मैंने बता भी दिया था और प्रीफिक्स क्या है इसका एल्काइल अमीनो ऐड कर लेना इसको एल्काइल अमीनो फर्स्ट नेम इसकी नेमिंग है अब इसको समझना पड़ेगा एक बार चलो अभी 12th में से कोई आंसर कर सकता है तो कर सकता है कौन सर पर्यंत पर्यंत बोल पर्यंत बोल रहे हैं सर इथाइल मिथाइल अमीन नहीं पर्यंत बिल्कुल गलत है तो सर और सर एन मिथाइल इथिनामाइड एन मिथाइल इथिनामाइड दोबारा बोल पर्यंत एन मिथाइल इथिनामाइड एन मिथाइल इथेनामाइन आप सही है ध्यान देना जो बड़ा वाला ग्रुप है जो बड़ा वाला ग्रुप जो है उसके साथ NH2 लगा के देखना पहले ये ग्रुप हटा देना ध्यान से सुनना बिल्कुल इसको हटा देना और H जो छोटा ग्रुप है उसको हटा के H लगा देना अगर इसका नाम मैं पूछूं तो सबको पता है इथेनामीन इसका नाम मैं पूछूं तो सबको पता है इथेनामीन है यानी इसमें इथेनामीन जरूर आएगा लास्ट में इसमें इथेनामीन जरूर आएगा लास्ट में अब देखेंगे जो N के साथ लगा हुआ छोटा ग्रुप उसको बोल देंगे एन मिथाइल एक दो एग्जांपल और दूंगा तो समझ आ जाएगा एन मिथाइल इथेनामीन जैसे तुम कुछ एस्टर के बारे में सोच सकते हो वैसे सोच सकते हो उसमें एन मिथाइल इथेनामीन है ना एन मिथाइल इथेनामीन नेक्स्ट इसका नाम इलेवन सारे बच्चों में से मुकुल एक मुकुल और कोई सुधांशु सुधांशु बोल प्रथम इथाइल एन इथाइल प्रोपेन अमीन हाँ बड़ा वाला ग्रुप कौन सा बहुत अच्छा सुधांशु बड़ा ग्रुप कौन सा है ये वाला इसलिए प्रोपेन अमीन से एंडिंग होगी प्रोपेन अमीन से एंडिंग होगी एन क्या लिख देंगे इथाइल एन इथाइल प्रोपेनामीन एन इथाइल प्रोपेनामीन एन इथाइल प्रोपेनामीन इसको मैं ऐसे लिख दूं या इसको ऐसे लिख दूं बात एक ही है ध्यान रखना चीज का ये एक ही बात है दोनों नेक्स्ट नोट करेंगे और कॉमन नेम दोनों के ध्यान रखेंगे ऊपर वाले का कॉमन नेम है इथाइल मिथाइल अमीन इथाइल फिर मिथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल मिथाइल अमीन नीचे वाले का कॉमन नेम इथाइल प्रोपाइल अमीन नेक्स्ट नोट करेंगे
इसकी नेमिंग सर मुकुल एन मिथाइल प्रथम बोल प्रथम एन मिथाइल मिथेल अमीन हाँ बिल्कुल सही है सी एस थ्री होल्ड टू एन एच मतलब सी एस थ्री एन एच सी एस थ्री तो दोनों सेम है बिल्कुल तो किसी को भी मेन चेन मान सकते हैं एन मिथाइल मिथेन अमीन एन मिथाइल मिथेन अमीन एन मिथाइल मिथेन अमीन ये नाम आ जाएगा इसका एन मिथाइल मिथेन अमीन अच्छा कॉमन नेम क्या होगा इसका वो कर लेंगे सब कॉमन नेम क्या डाइमिथाइल अमीन हाँ डाई मिथाइल अमीन नेक्स्ट ट्राई करेंगे अब कलियर ट्राई सर मुकुल हो गए यस सर और कोई किसी ने ट्राई कर लिया हो सर पर्यंत पर्यंत रुक तू भी और हर्षिल 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 तू भी रुको भी 11th वाले बच्चों ने किसी और ने ट्राई किया है सर विधि कांशु बोल सर एन मिथाइल ब्यूटेन अमीन एन मिथाइल ब्यूटेन अमीन अच्छा और कोई सम्यक बोल सम्यक थ्री मिथाइल एन मिथाइल प्रोपेनामाइन नहीं बोल सर अर्णव बोल एक मिनट अर्णव को बोलने दो अर्णव बोल सर एन मिथाइल टू मिथाइल वन प्रोपेनामाइन नहीं नहीं अर्णव ट्राई अच्छा किया लेकिन गलत अभी और कोई सर सर टू एन मिथाइल बोलो नाम बताओ नाम पहले बोलो अपना सर प्रथम चल प्रथम बोल जल्दी 2N मिथाइल प्रोपेनामीन नहीं अब बोल मुकुल बोलना है तेरे को सर प्रियांश यस सर 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 मैं बोलूं या बोल मुकुल जल्दी बोल दे अब N मिथाइल प्रोपेन 2-amine गलत है प्रियांश बोलो सर विधि सर N सॉरी सर ब्यूटेन 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 सॉरी सॉरी मुकुल खत्म हो जाएगा बात खत्म कर दिया उसके बाद बोलो प्रियांशी सर एन मिथाइल ब्यूटेन टू अमीन बिल्कुल सही है 1 2 3 4 इसमें एनएच टू मान के करना पहले ब्यूटेन टू अमीन तो है ही है ब्यूटेन टू अमीन तो है ही है बस एन मिथाइल लिख देंगे एन मिथाइल ब्यूटेन टू अमीन एन मिथाइल ब्यूटेन टू अमीन ये नाम होगा इसका सही ना एन मिथाइल ब्यूटेन टू अमीन है एन मिथाइल लिखा हुआ ना ब्यूटेन टू अमीन नेक्स्ट का ट्राई करेंगे सर मुकुल प्रियांशी रुको अभी तुम और कोई चल मुकुल बोल सर 1-bromo-5-chloro N2-4-trimethylpentane-3-amine बिल्कुल सही है यहां से करेंगे नेमिंग ध्यान देंगे नेमिंग होगी यहां से 1 2 3 4 5
वन पे ब्रोमो आ रहा है इसलिए। अब टू पे भी मिथाइल है, एन पे भी मिथाइल है और फोर पे भी मिथाइल है, एन टू फोर ट्राई मिथाइल। एन टू फोर ट्राई मिथाइल पेंटेन, पांच कार्बन है तो पेंटेन थ्री अमीन, और स्टार्टिंग में वन ब्रोमो फाइव क्लोरो जरूर लिख देना, वो तो सब लिख लेंगे। वन ब्रोमो फाइव क्लोरो, वन ब्रोमो फाइव क्लोरो, वन ब्रोमो फाइव क्लोरो, एन एन टू फोर, एन टू फोर ट्राई मिथाइल, एन टू फोर ट्राई मिथाइल पेंटेन थ्री अमीन। ई नहीं आएगा, पेंटेन थ्री फिर अमीन लिख देना, पेंटेन थ्री अमीन, सही ना, पेंटेन थ्री अमीन। नेक्स्ट नोट कर लेंगे। सर ये समझ नहीं आया। बोलो क्या चीज समझ नहीं आई सर? एन टू फोर वाला। देखो एन पे मिथाइल बोलते हो ना तुम, एन पे मिथाइल तो बोलते ही तुम, टू पे मिथाइल पहले से दे रखा है, फोर पे दे रखा है, तुम ये बोलते हो ना टू फोर डाई मिथाइल बोलते, फिर एन मिथाइल तो बोलते ही ना इसको, एन एस टू है ये, एन पे मिथाइल है, एन पे मिथाइल, टू पे भी मिथाइल है, फोर पे भी मिथाइल है, तो एन टू फोर ट्राई मिथाइल। ओके सर। विधि एक बार दोबारा ट्राई करना, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सर इसमें CH2Cl को भी तो दे सकते थे वन। नहीं वन उस पे Cl आ रहा ना, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एक जल्दी से ट्राई करेंगे, जल्दी ट्राई करना थोड़ा सा। ये समझ गया ना क्या मतलब है, एच अपने आप लगा लेना इसमें, ये सी एच थ्री है, ये सी एच थ्री है, ये सी एच है, ये सी एच टू है। फास्ट ट्राई करेंगे इसको, अभी टाइम हो जाएगा नहीं तो। बोलना किसी को? चलो ध्यान देंगे इधर। 12th वाले बच्चों से बोलना किसी को? हाँ बोल कुनाल। सर N पे 2 मिथाइल प्रोपाइल इथ 1 इन परफेक्ट, बिल्कुल सही है तेरा रंदे। हाँ N पे 1 2 3 मेन चेन ये वाली है, N पे 2 मिथाइल प्रोपाइल, N पे 2 मिथाइल प्रोपाइल इथीन अमीन या इथीन